हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दी गई आकृति में कोण आर ओ एस का माप 160 अंश दिया है, तो कोण आर एम एस और कोण आर एन एस का माप ज्ञात कीजिए और कोण आर पी एस और कोण आर क्यू एस में संबंध बताइए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ कोण आर ओ एस चाप आर एस द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण है और यह दोनों कोण कोण आर एम एस और कोण आर एन एस आर एस द्वारा वृत्त के शेष भाग पर क्रमशः बिंदु एम और एन पर अंतरित कोण है। यहाँ हम इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, यानी कोण आर ओ एस बराबर होगा कोण आर एम एस और कोण आर एन एस के दोगुने के, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसे समीकरण एक और समीकरण दो मान लेते हैं। इस प्रश्न में कोण आर ओ एस का माप दिया है। समीकरण एक में हम इसका मान प्रतिस्थापित कर इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं। हमें कोण आर एम एस बराबर 80 अंश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमें कोण आर एन एस का माप भी 80 अंश के बराबर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह दोनों कोण बराबर हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इन दोनों कोणों कोण आर पी एस और कोण आर क्यू एस के बीच संबंध बताना है। दोस्तों, इस पर आप स्वयं विचार करें। आपकी सहायता के लिए यह रहा एक संकेत। आज हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल पर आधारित एक प्रश्न हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।